हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे क्लास टेंथ आर्ट यानी चित्रकला का बोर्ड पेपर। आपके क्लास टेंथ चित्रकला में बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आते हैं और आप लोग को क्या क्या बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है, और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, ठीक है, जो कि आपके 2022 का है, क्योंकि आप लोग 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले आप लोग 2022 के पेपर को देखिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ आए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या बनाना है और आपको कैसे बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं चित्रकला के। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले। तो देखिए 2022 और 21, ठीक है, और 20-19 अगर आप लोग चार सेट कर लिए ना, तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल जो कुछ भी चार सेट में दिया हो सभी की प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका बिल्कुल 70 नंबर कला में पक्का है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर चार सेट में जितने भी दिए हुए क्वेश्चन सभी का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग यानी उसको वही आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आप लोग वो चित्र बना करके, फिगर बना करके, ठीक है, 70 में 70 आप लोग ला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका कला होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा और यहाँ पर 70 नंबर पूर्णांक का रहेगा। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है इस दिए हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पर मुख्य पृष्ठ था, इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए, ठीक है, तथा केंद्र व्यवस्थापक का भी आपको साइन कराना है, ठीक है। यानी जो आपको ये तो पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का लगा पेपर है, ठीक है, इसके साथ जब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसके साथ आपको एक कला की पेज मिलेगी। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग को, ठीक है, कला के यानी ये पूरे ये कला की पेपर हो गए, तो यहाँ पर आप लोग कला बनाए, ठीक है, चित्रकला। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में इस कोने में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। तो यही यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अगर आप लोग रोल नंबर नहीं लिखोगे तो आपका कला की पेज, ठीक है, यानी दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाता है जिससे कि वो अच्छे नंबर ला लेता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर लिखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र क और ख दो खंडों में विभक्त है, ठीक है, दोनों खंडों को आपको हल करना है। तरह की खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्र, ठीक है, अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, ठीक है, ये मैथ टाइप का होता है यानी इसमें गणित होते हैं, ठीक है, में से केवल एक का चित्रण करना है। यानी आपको प्राकृतिक दृश्य या आलेखन या प्राविधिक कला यानी तीनों में से आपको किसी एक का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम कला में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड क में यानी पार्ट ए, ये क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, इसमें से तीन पार्ट दिए हुए, तीनों पार्ट बिल्कुल अनिवार्य है, आपको तीनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण यानी यहाँ पे, ठीक है, पार्ट ए यानी खंड क में पहला प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण ऐसे ही नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अनुपात सही से लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि 20, ठीक है, इंटू 15 सेमी यानी 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के आयत में गाँव का प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये 45 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, पहले आपको स्केल लेना है, ठीक है, स्केल से आपको स्केल में 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर माप लेना है। इसके बाद आपको आयत बनाना है, ठीक है, उस आयत में ही आपको यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना है। आयत सही रहेगा तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको आगे बताएँगे अभी कि आयत पर आपको कितना नंबर मिल रहा है, यानी ये सिर्फ आपको पाई खींचने पर कितना नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें इसी में दिया हुआ है, यानी आप लोग अगर प्राकृतिक दृश्य बना रहे हो तो उसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको झोपड़ी के पास खेलते बच्चे,
ठीक है। अगर आप लोग प्राकृतिक दृश्य बनाओगे तो उसमें आपको झोपड़ी बनाना है, जो कि आपको इस कला के वीडियो के बाद, ठीक है, हम आप सभी को प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बिल्कुल बना कर दिखाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, डेली। तो यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बनाना है उसके पास खेलते हुए कुछ बच्चों का भी चित्रण करना है, या आप लोग इसको नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप लोग बी वाला कीजिए, ठीक है, यानी प्राकृतिक चित्रण बनाइए इसी तरह, लेकिन इसमें आप लोग नदी में नाव चलाता नाभिक को भी बनाना है आपको, ठीक है, और इसको कलर करना है, रंगना भी है। किसी एक का दृश्य चित्रण किन्हीं उपयुक्त रंगों से पूर्ण करिए, ठीक है, यानी आपको कलर भी करना है। साथ में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, रंग भरने में कितने नंबर मिल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अब लिखा हुआ है। तो देखिए अंक विभाजन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही अनुपात, यानी अगर आप लोग 20x15 सेमी, यानी अगर आप सभी को प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाने आता फिर भी सिर्फ आपको 20x15 सेंटीमीटर, ठीक है, पाइप खींचने भी आता होगा तो आप लोग जरूर खींचिए, लेकिन इसे छोड़िए मत, क्योंकि इस पर भी आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 20x15 का, ठीक है, सेंटीमीटर का पाइप खींचेंगे तो आपको सिर्फ 15 नंबर ही मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पाइप खींचिए। इसके बाद यहाँ पे सुंदर संयोजन अगर आप लोग किए हो तो उस पर 8 नंबर मिलेंगे। आकर्षक रंग योजना, यानी अच्छे रंगों का प्रयोग किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलेंगे। सामान्य प्रभाव आप लोग किए हुए तो आपको 14 नंबर, यानी टोटल ये 45 नंबर है, ठीक है। और आप लोग किस रंग का प्रयोग करेंगे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आप लोग पोस्टर रंग आते हैं, आप लोग मार्केट में जाकर खरीद सकते हो, उस रंग का अगर प्रयोग करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, आलेखन, ठीक है। आलेखन में यानी आप सभी को प्राकृतिक दृश्य कीजिए या आलेखन कीजिए या गणित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आलेखन में अगर आपको फूल पत्ती पुष्प बनाने आता हो तब आप लोग कीजिए, और आलेखन तो आप लोग कभी भी, जैसे नहीं आता फूल पत्ती तो आप लोग कभी भी आलेखन को मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर आलेखन पर ही नंबर टीचर काटते हैं, ठीक है। कहीं फूल के पत्ती टेढ़ी है, कहीं उसमें पेंटिंग करने में गड़बड़ी है, यानी बहुत कुछ देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 18 सेमी की भुजा वाले वर्ग में, ठीक है, यहाँ पे वर्ग बनाना है आपको, गोला में फूल को बनाना है। एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, ठीक है, कमल पुष्प पत्ती कली और इसके साथ साथ आपको मछली भी बनाना है, मछली के संयोजन के साथ करना है, ठीक है। और यहाँ पे किन्हीं 3 जल रंगों का ही आपको प्रयोग करना है, यानी सिर्फ आपको 3 रंगों का प्रयोग करना है यहाँ पे बोला गया है, तो इसलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर भी कटते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग इसे मत बनाइए। हम तो वही प्राकृतिक दृश्य बनाए थे और आगे जो आएगा वो हम आप सभी को बताएंगे कि क्या बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए इस पर भी उसी तरह नंबर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, अथवा में यहाँ पे प्राविधिक चित्रण, यानी यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको तीनों में से एक करना है। तो यहाँ पे क्या है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मैथ टाइप का है, यानी गणित वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कला बनाने नहीं आता, कलर रंग करने नहीं आता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैथ कर सकते हैं, इसमें भी उतना ही नंबर मिलेगा, 45 नंबर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और वृत्त में एक वर्ग बनाइए जिसका प्रत्येक कोण वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, ठीक है, तो ये 15 नंबर का है। नेक्स्ट इसमें ब है, किसी समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु खष्टभुज का निर्माण करे, ठीक है, ये भी 15 नंबर का है। इसके बाद इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 100 क्वेश्चन की, एक साधारण मापनी बनाए, ठीक है, जिसमें 2 सेमी बराबर 3 मीटर मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात करते हुए 8 मीटर व 3 डेसीमीटर, ठीक है, अंकित करें, तो यहाँ पे ये भी 15 नंबर का, यानी 45 नंबर का है। सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक श्याम श्वेत आलेखन का निर्माण रेखाओं के माध्यम से करें, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कितना क्वेश्चन करना है, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करना है और ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो ये आपका 45 नंबर का हो गया। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट खंड आ गया ख, ये क्या है, स्मृति चित्रण है, ठीक है, इसको आपको कलर नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है और पेंसिल से इसे सेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यानी किसी एक का चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र 16 सेमी से कम न हो, ठीक है, और छाया प्रकाश पर विशेष ध्यान दें।
यानी आप सभी लोग कोई भी चित्र इसमें से बनाएंगे तो अपने स्केल में सबसे पहले 16 सेंटीमीटर माप कर 16 सेंटीमीटर का ही आपको चित्र बनाना है, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए और बाकी आपको, ठीक है, 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ में प्लेट में रखा सेव, ये जो है ये 25 नंबर का, यानी उधर 45 था इधर 25, दोनों मिलाकर के 70 नंबर के हो गए। में सेव यानी आपको एक प्लेट बनाना है और उसमें सेव को रखना है, ठीक है, और इसको फिर सेट करना है इसको पेंसिल से, तभी आपको यहाँ पे मिलेंगे नंबर, ठीक है, 25 नंबर। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बो वाला की लैपटॉप या आप सभी को बैट बॉल, ठीक है, यानी लैपटॉप और बैट बॉल बनाना है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी एक का चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट में सेव बना सकते हो या आप लोग लैपटॉप बना सकते हो या यहाँ पे बैट बॉल बना सकते हो या इसके अलावा आप लोग प्लेट में रखी चाय का कप बना सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए सबसे सरल होगा बैट बॉल या आप लोग यहाँ पे कप चाय भी बना सकते हो। और यहाँ पे यह दिया हुआ है कि घरेलू गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर तो सबके घर होगा और आप लोग को आता भी होगा, तो आप लोग यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चनों में से किसी एक को बनाइए और 25 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कला का पेपर। तो यहाँ पे देखिए हमने बैट बॉल बनाया था अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, जब हमारे आए थे तब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बैट बॉल हमने बनाया था। और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मूली बनाने के लिए आया था पत्ता से, तो हमने मूली बनाया था। तो टोटल हमने प्राकृतिक चित्र उधर बनाया था और इधर बैट बॉल बनाया था और मूली बनाया था, ठीक है। तो हमारे टोटल यानी नंबर कितने आए थे, तो वो 65 नंबर आए थे, ठीक है। सिर्फ 5 नंबर हमारा कहीं ना कहीं कट गया था। तो इसलिए आप लोग भी इसी तरह कीजिए। तो यही एक आपका चित्रकला का पेपर। और आप लोग अब हम इसके बाद आप सभी को प्राकृतिक चित्र बनाकर कलर करके बताएंगे, ठीक है, और कैसे आपको 3 घंटे 15 मिनट में सब कुछ पूरा कला एकदम सेट कर लेना है, ये सब हम आप सभी को बताएंगे कल से। और इसके अलावा हम आप सभी को मूली, ठीक है, बैट बॉल, चाय, सेब, प्लेट, ठीक है, कफ वगैरह सब कुछ कल से बनाना बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। इस टॉपिक पे अगर आप सभी को वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो हम आप सभी के कमेंट पर ही बनाए थे। एक राज, ठीक है, स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। और भी अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे तुरंत वीडियो बना देंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी बोर्ड एग्जाम की कराई जा रही है, आप लोग जल्दी से और वीडियो को देखिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।